आजादी के आदर्शों को समझे और बयां करे। जब राजगृह से सिद्धार्थ के बुलाव पर पहुंचे कपिलवस्तु, तो उन्होंने राजा के यहां भोजन नहीं किया, भिक्षा पात्र लेकर के गांव गांव गरीबों के यहां ढूंढने लगे। तो राजा ने कहा कि तुम राजा के पुत्र हो, तुम क्षत्रिय हो, और मेरे ही राज्य में भिक्षा पात्र लेकर के भीख मांगे रहो, तुम्हें शर्म की बात है। तो सिद्धार्थ कहता है, बुद्ध कहते हैं कि महाराज, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं आपके कुल का नहीं, मैं अभी किसके कुल का हूं? बुद्ध कुल का। मैं किसके कुल का हूं? बुद्ध कुल का। अब आप किसके कुल के हो? आजी आप किसके कुल के हो? बुद्ध कुल के। इस बात ख्याल में रखिए। और तब गौतम ने, तथागत ने राजा को फटकारा, बहुत फटकारा। तुम राजगद्दी पे बैठे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, किसके कारण? इन गरीबों के कारण, शोषण के कारण, इनका शोषण होने के कारण। तो कहा कि उठो, ये प्रमाद का जीना छोड़ दो, उत्तिष्ठे न पपचे, धम्मं चरे सुचरितं, न तं दुश्चरितं चरे। उपदेश दिया, धर्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परम विजयः। एक राजा का धर्म क्या है? राजा का धर्म है प्रजा का पालन करना। राजा का धर्म है प्रजा को सुख देना। शोषण करना नहीं। तो राजा को तथागत ने कहा, हम सुन रहे हैं, टू एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट ऑफ द राइट पीपल, ये जो बाबा साहब ने कहा, और आज के प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राजा बनने का अधिकार किसको है? आपको। राजा बनाने का अधिकार किसको है? जनता को। जनता को। तो उस जमाने में राजा बनने के लिए लड़ाइयां होती थी, और नियम था कि राजा का पहला बेटा होगा तो राजा बनेगा, धृतराष्ट्र बनता था और बेटा राजा बन गया दुर्योधन। माँ ने सोचा कि मेरा पति तो अंधा है, तो मैं भी अपने आंखों पर पट्टी बांध लूं, तो बाप भी देख नहीं सकता था और माँ भी देख नहीं सकती थी, और दुर्योधन अपने ढंग से रहा था। तो हमें अपने आंख पर से पट्टी हटा देनी चाहिए, अपनी पट्टी हटा देनी चाहिए। धृतराष्ट्र की तरह अंधे नहीं बनना चाहिए, आपकी दृष्टि सम्यक होनी चाहिए। आपकी दृष्टि सम्यक होगी तब आप अच्छा राजा बना सकते हैं। पहले तो रानी के पेट से पैदा हुआ बेटा राजा बनता था, अभी तो वो मतदान के पेटिस में से राजा बनता है।
और कौन बनाता है? तो जो राजा बनाना चाहते हैं काय के लिए राजा बनाना चाहते हो? शोषण करने के लिए, कि शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए। शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए राजा बनता है तो हमें अपने सम्यक दृष्टि से, हमें अपने मतों का सम्यक उपयोग करना चाहिए, सम्यक उपयोग करना चाहिए। ये बात समझाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना की। भिक्षु संघ कैसा है? कैसा था भिक्षु संघ? सुपटिपन्नो, उजुपटिपन्नो, न्यायपटिपन्नो, सामेजी पटिपन्नो, ऐसा भिक्षु संघ है। और एक इंग्लिश लेखक ने इसके बारे में, भिक्षु संघ के बारे में कहा है, क्या कहा है? द संघ, लिख लीजिए जिसके पास कलम पेन होगा तो, बहुत अच्छी बात है, हमें बौद्धों को एक बात समझनी चाहिए। द संघ एस्टैब्लिश्ड बाय द बुद्धा वाज डेमोक्रेटिक इन कॉन्स्टिट्यूशन। कैसा संघ था? डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कम्युनिस्टिक इन डिस्ट्रीब्यूशन। दान, वहां किसी की संपत्ति नहीं, भिक्षु संघ के पास कोई संपत्ति नहीं, कोई संपत्ति रखेगा भी नहीं। हमारा उपासकों का भी संघ कैसा होना चाहिए? डेमोक्रेटिक ही कॉन्स्टिट्यूशन। उपासकों का भी संघ कैसा होना चाहिए? डेमोक्रेटिक इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कम्युनिस्टिक इन डिस्ट्रीब्यूशन। भी दान पर बात चल रही है, दान पर बात चल रही है। यह है बुद्धिज्ञान, यह है बुद्धिज्ञान। दान की बात चली तो दान देने के लिए पार भी तो है, पहली बार होता दान देने की वाले को पहले अपनी मानसिकता को तैयार करना पड़ता है, बिना उससे तो दान नहीं दे सकता। दान देने के लिए पहली कड़ी श्रद्धा, दानं ददतु श्रद्धाय, पहली कड़ी है उसके मन में दान देने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरी कड़ी है दान देने के लिए उसके मन में करुणा होनी चाहिए। दान देने के लिए दानदाता के मन में मैत्री भावना होनी चाहिए, और दान देने वाले दाता को दाता निरपेक्ष होना चाहिए। अभी लोग दान करते हैं तो इस आशा से, इस अपेक्षा से कि मुझे कुछ मिलेगा, इस अपेक्षा से किया हुआ दान दान नहीं होता। नहीं, हम जब दान करते हैं तो दान करने के लिए मनुष्य को अपने मन को तैयार करना पड़ता है। जब इन तीन बातों से वो मुक्त हो जाता है तब दान करता है। जो लोग मुक्त होता है वो दान करता है और दान उसको फलदायी होता है। वो पश्चाताप नहीं करता, कह रहा तो मैंने दे दिया, मेरा तो इतना चला गया, कहां से प्राप्त होगा। लोग मुक्त होता है, लोभी नहीं होता। दान करने के लिए द्वेष मुक्त होता है,
कोई भी आदमी जिससे द्वेष करता है उसको दान नहीं करता, मैत्री होगी वहां दान करता है, श्रद्धा होगी वहां दान करता है। भिक्षु को हमने दान किया, अभी आप देखेंगे बिहार में भिक्षु को दान क्यों किया, किस किस कारण से? श्रद्धा के कारण से। अगर विश्व के प्रति, धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होती तो दान करते क्या? नहीं, श्रद्धा। और मैत्री, अपने मन में जिसके प्रति द्वेष भावना है उसको हम दान नहीं करते। अपने मन में करुणा नहीं होगी तो दान नहीं करते। दान का मतलब श्रद्धा और करुणा। श्रद्धा से दान करते, उनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए हमें दान करना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ा श्रेष्ठ दान वह है जो दबे पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने के लिए दान किया जाता है। और सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, बाबा साहब ने दान किया, सारा जीवन भर दान किया, किसके लिए किया? आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।